हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि IRCTC से हम जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमारा अटक क्यों जाता है। कई कंडीशन ऐसी रहती है जिनमें हमारा पेमेंट नहीं हो पाता है और हमारा टिकट बुक नहीं हो पाता है। तत्काल टिकट जब बुक करते हैं तब यह परेशानी और भी ज़्यादा आती है। जानते हैं यही सब क्या है इसका रीजन और क्या है इसका निवारण, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल CP ज्ञान में। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कॉन्टेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ये वाला, जिसमें मैंने बताया था IRCTC से यदि आपका पेमेंट कट गया है और टिकट बुक नहीं हुआ है तो आप वह पैसा कैसे वापस कर सकते हैं और कहां कहां कंप्लेन कर सकते हैं। यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो यह इसका लिंक मैंने आई बटन में भी दिया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा पैसा कट जाता है लेकिन टिकट बुक क्यों नहीं होता है, इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण, जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको हमेशा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आपके मोबाइल में नेटवर्क बहुत अच्छा आए। 90% मामलों में आपका पैसा नेटवर्क की वजह से ही रुक जाता है, यानी कि आपका जो नेटवर्क है वह स्लो हो जाता है और उस समय आपका ट्रांजैक्शन जो बैंक से होना होता है वह नहीं हो पाता है और IRCTC को पैसा नहीं पहुंच पाता है टाइम पे। इसके कारण आपका बैंक से पैसा कट जाता है और IRCTC को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, इसीलिए आपका पेमेंट बीच में अटक जाता है और आपको इस समय असुविधा का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण हम जानते हैं कि कुछ समय, जैसे कि रात में 12 से 1 के बीच में, दिन में 10 बजे 11 बजे जब तत्काल टिकट बुक होते हैं उस समय हमें जनरल टिकट को बुक नहीं करना चाहिए, और यदि हम इस समय करते हैं तब भी हो सकता है कि हमारा पैसा रुक जाए और टिकट बुक ना हो। यदि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तत्काल टिकट बुक करते समय आपको नेटवर्क में रहना है, और यदि आप नेटवर्क में नहीं होंगे तो आपका पैसा कट जाएगा और टिकट बुक नहीं होगा। और तीसरा रीजन, यह निर्भर करता है आपके मोबाइल पर। यदि आपका मोबाइल स्लो चलता है या फिर आप जिस कंप्यूटर में टिकट बुक कर रहे हैं तत्काल का, या जो भी टिकट बुक कर रहे हैं वह स्लो चलता है, तब भी आपका टिकट नहीं बुक होगा और उस पर सर्वर डाउन दिखाएगा और आपका पेमेंट वहां भी रुक सकता है। इसके लिए आप किसी ऐसे मोबाइल से जिसका प्रोसेसर अच्छा हो उससे टिकट बुक करने की कोशिश करें तो आप जरूर से जरूर आप टिकट बुक कर पाएंगे। तो साथियों, ये कुछ तरीके थे जिनमें हमने जाना कि किस तरीके से हमारा पेमेंट अटक जाता है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो 99% मामलों में आपका पैसा नहीं अटकेगा, आपको कंफर्म टिकट बुक हो जाएगा। IRCTC में यदि आपका पैसा कट भी जाता है तब भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंटों के जवाब देने की। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।